सभी साथियों को राम राम जो साथी आवाज सुन पा रहे हैं फॉर्मर फॉर्मर, मेरे भाई, राम राम मेरे भाईयों को सभी साथियों को जय किसान एक बारी भाई सभी साथी जुड़ने का काम करें और कुछ अब शब्द अगर मुंह तो निकल जाए उसके लिए माफी चाहता हूं मैं कोशिश नहीं करता कभी कि मेरे मुंह तक कोई अब शब्द मैंने बोला नहीं है मैं एक दायरे में रह के ही बोलना पसंद करता हूँ बाकी कई बार ऐसा मुद्दा हो जाता है ऐसी चीज हो जाती है इंसान गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता मैं पहले ही आप सभी साथियों को बता रहा हूं भाई हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं अगर कोई गलत शब्द मुंह से निकल जाए कैलाश मेरा भाई यू से देख रहा है आपका भी धन्यवाद एक बारी भाई सारे साथियों से विनती जुड़ने के साथ साथ बिना कही शेयर कर दियो आज जुड़ने के साथ साथ बिन बोले शेयर कर देना नीचे शेयर का बटन दिखाई देता होगा आप लोगों को उसको दबाते ही सोलह हाथ ने लिखा पाओगा शेयर टू ग्रुप एक बार तुरंत दस दस ग्रुप शेयर करो ताकि सारे भाई तक नोटिफिकेशन पहुंच जावे आज जमाना बहुत ही घटिया रह गया आज का जो समय है भाई आप लोगों को बता दूं एक दो टके की नाचने वाली औरत ने एक दो टके की नाचने वाली औरत ने पूरे देश को आईना दिखा दिया है आप सभी साथियों को पूरे भारतवर्ष को अपने देश का आईना दिखा दिया है पता होगा आप लोगों को एक कंगना रनौत नाम की औरत है जिसको अवार्ड मिल गया है उसने बहुत बड़े बड़े तीर मारे हैं उसको अवार्ड दिया है भारतीय सरकार ने उसको सम्मानित किया है एक एकता कपूर है आप लोग शायद भूल गए होगे एकता कपूर नाम याद रख लेना आज से एक डेढ़ साल पहले मुद्दा हमी ने उठाया था मेरा भाई था फौजी असलापुर हमारी टीम थी चकारा टीम मारे भाईचारे ने मिलकर एक मुद्दा उठाया था जिसमें एकता कपूर ने एक वेब सीरीज में भारतीय सेना का अपमान किया था भूल जाते हो आप लोग भूल पड़ जाती है बहुत ही जल्दी आप लोगों को याद दिलवाना पड़ता है उस बेसरम भांड औरत को भी मैं माफी चाहता हूं किसी औरत के बारे में यह शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो मेरे मुंह से निकलेंगे उस बेसरम भांड औरत को भारतीय सेना का अपमान करने की खुशी में भारतीय सरकार ने अवार्ड से सम्मानित किया है और एक वैश्या एक बाजारू औरत जो पैसों के लिए अपना जिसम बेचती है मैंने किसी अखबार में भी पढ़ा था मैंने किसी किताब में भी पढ़ा था कंगना रनौत कपड़ों की तरह हर रोज अपने आशिक बदलती है अब आपको अंदाजा हो गया होगा उसकी सोच का आपको अंदाजा हो गया होगा उसकी ताकत का वो बाजारू औरत वो वैसा औरत है। पूरे भारतवर्ष के आज तक जितने भी शहीद जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं उन सबके मुंह पर उसने कैसा थप्पड़ मारा है उन सभी परिवारों को एक ऐसा तमाचा मारा है उस बाजारू औरत ने लिया है भारत देश तो 2014 में आजाद हुआ है यानी कि जब इसका बाप इसका बाप मोदी प्रधानमंत्री बना ना जब भारत देश आजाद हुआ उन्नीस में भगत सिंह राजगुरु सुखदेव चंद्रशेखर आजाद कुछ नहीं थे वे कुछ नहीं किया उन्होंने ये बात मैं नहीं ये बात आपकी कंगना रनौत बोल रही टीवीओ में चिल्ला चिल्ला कर और उस वैद्या औरत को यही सरकार सम्मानित करती है आप लोग पता नहीं क्यों सारी चीजें किस लिए भूल जाते हो एक हमारा भाई जिसने कोरोना के टाइम पे जब देश असली लड़ाई लड़ रहा था ना उस टाइम पे गरीब इंसानों की मदद की जिसका नाम है सोनू सूद मैं सैल्यूट करता हूं मेरे भाई को उस भाई ने जितनी मेहनत और जितना सब कुछ किया उसका फल क्या मिला उस पर इनकम टैक्स का छापा उस पर रेड एक बात बताओ इसलिए कि वो वैश्या नहीं है वो एक लड़का है वो आपका झंडा नहीं उठाता मुझे आज शर्म आती है एक बात बताते हुए किसानों को इन्होंने आतंकवादी बता दिया जवानों को ये आतंकवादी बता रहे हैं शहीदों का ये अपमान कर रहे हैं और कुछ चाटूकार पत्रकार जिनकी गोदी में बैठ के बड़े बड़े भाषण देती है ये एक मेरा भाई घर है तेरा बाप होगा भाई ना लागता मामा भी ना मारी साले गहलिया को रिश्तेदारी समझा केस कराना ईब करा दिए अपने दम पर जिंदगी जीवा हा किसी के बाप के दम पर नहीं अपने बाप के दम पर अपने दम पर जिंदगी जीते हैं जो यो इतना बड़ा वो बड़वे आदमी जो है तू सब ना तेरा बाप होगा कि मैं अपने दम पे जीतते हम इतरे देश को नहीं बनाया तेरे देश ने इस तेरे बाप को बनाया है मोदी से भारत देश नहीं बनाया भारत देश में मोदी ने जन्म लिया है समझ गया साले दो टके फेसबुक ये छह हजार की आई टी मेंबर है इनका पानी मार मार तम न तो लिए मसले होंगे हमने नहीं मेहनत करी घून पसीना एक कर जो कुछ कर रहे अपने दम पर कर रहे तेरे बाप के तेरे दम पर नहीं ऐसे ऐसे कुत्तों को जवाब देना जरूरी इसीलिए आप साथियों को ये कहता हूं मैं ऐसी चीजों को शेयर करके आगे पहुंचाया करो ऐसे ऐसे कुत्ते के मुंह बंदो शर्म आती मुझे बार बार अपने भाइयों से ये कहते हुए कि भाई अच्छाई को फैलाओ अच्छाई को शेयर करो आप लोग चुप बैठ के तमाशा देखते हो यार हद होगी एक बात की एक इतना बड़ा मुद्दा है अगर यही बात कोई कांग्रेस पार्टी कोई आम आदमी पार्टी या कोई मुस्लिम बोल देता ना भारत देश के बारे में मैं ये कहता हूं उसको इतना बड़ा देश कर देते उसको जान से मार देते और एक वही आपकी वैश्या सलेआम ये बोल रही है टीवीओ में चिल्ला चिल्ला के, के देश तो दो में आजाद हुआ है ये सारे के सारे शहीदों का अपमान है और एक आप लोग हो उन्हीं से जुड़े हुए उन्हीं के झंडे उठाते हो ऐसे टाइम पे आपकी बोलती बंद क्यों हो जाती है यो केस इतना भाई जेल के भीतर भी आदमी रहे हैं जेल में भी मारे भाई बंधु रहे को बाहर देश के ना रहते अगर भगत सिंह राजगुरु सुखदेव और ये बात सोचने लाग जाते चंद्रशेखर आजादर वे फांसी पर ना चढ़ते हंसते हंसते वे मारे लिए मारे लिए परेशान हुए थे मारे लिए उन नहीं इतने बड़े बड़े खून की नदियां बाई हैं समझे सरकारी आंकड़ों में सात लाख बत्तीस हजार आदमी शहीद हुए छह लाख बत्तीस हजार एक और जिस टाइम देश का बंटवारा हुआ जब तक एक लाख एक अरे एक वैश्या ये कह लग रही है अब ये जो कुछ है ना मोदी आने के बाद हमारा देश आजाद हुआ और एक आप लोग तमाशा बना रहे हो तमाशा देख रहे हो एक एकता कपूर जो सरआम फौजी भाइयों का अपमान करती है उसको सरकार सम्मानित करती और आप बैठ के तमाशा देख रहे हो ये जो आपकी चुप्पी है ना चुप्पी सड़कों पर आ गए हो मारे काका ताऊ दादा आंदोलन में बैठे मेरे तभी सवाल जवाब कर रहे हैं के बाद छोरे आंदोलन मना जाता के बाद छोरे आंदोलन बना दिखता ना दिखता भाई उसका कारण है अगर मैं आंदोलन में जाता तो ये कहूं दे तो नेता बनना है पूरे आंदोलन का रिकॉर्ड है रिकॉर्ड उठा के देख लियो एक भी स्टेज पर नीचे छाया मैं ना किसी स्टेज तक मैंने भाषण दिया सिर्फ एक सम्मान करया था, उस दिन सम्मान कर आखिरी बार मेरे शब्द ये थे ना तो किसी स्टेज, स्टेज पर मैं भाषण दू ना मैं किसी स्टेज पर चढ़ना चाहता नेता बनना होता माइक पकड़ता वहां जाके माइक पकड़ता माइक समझे अच्छे अच्छे नेता बन गए ज्वाइन कर ली किसी ने ऊपर था कि आत्मा गवाही दे देना कई मूर्खता करण लागे है कुछ लोग इसने राजनीतिक चीज बनाने लागे है हम भाई आज उड़ लिया रहा हूं उस चीज से आज भी मेरे जो काका ताऊ दादा जी जान जानते बैठे ना बुजुर्ग उनकी आत्माओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है मैं उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता इस मारे में आंदोलन में नहीं जाता उससे दूसरा मैं भाई हरी गाड़ी नहीं सुनना चाहता बाडेगा टू को ना हरी गा गाड़ी सुनूंगा क्या होया छा आंदोलन का कुछ भी नहीं भाई जितनी अपने मास है जितनी ताकत है बोलने का काम करो परिवारों की मदद कर चुके बीस करोड़ रुपया की नगद मदद कर चुके हैं लगभग लगभग पचासी से नब्बे की शादी कर चुके हैं जीसा हमारे बस का है सोशल मीडिया के माध्यम तक करण का काम करा बड़े घर के बेटे नहीं है लेकिन बड़े काम करे हैं सैकड़ों आंदोलन में भागीदारी कर ली जो बस का है वो कराया है आप लोगों ने क्या किया ये सवाल मैं आप लोगों से करता हूँ आप लोगों के मुंह पे हमारे सही का अपमान होता है आप लोगों के मुंह पे हमारे कहता का हुआ लठ मारा सरकार किसान की बेजती या कर जवान की बेजती या कर भाईया मत जाती सरकारी नौकरी मिली तुमने अरे जवान बड़ को थर तक पूछना चाहूं कौन सी भर्ती पूरी होगी जिसमें थारे का ताऊ भाई नौकरी लागे हूं कौन सा ऐसा कार्य हो गया जो तारे नेताओं ने कर दिया नहीं ना बजाते रहो घंटा इनका आज भी इनके झंडे उठाते हो आप लोग शर्म की बात है के करवाना चाहो जग पर लो करवाना चाहो इस जमीन पर इबी थार तो मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया जाता एक रंडी थारे मुंह पर थूक के जान लाग रही एक वैश्या सरेआम थारा अपमान करने लाग रही इसको भी तुमने झांसी की बना दिया था एक फलम का शूट करने लाग थी काट के घोड़े पर बैठ कर हाथ में निकली तलवार ले एक शूटिंग करे थी इसमें तब ना जासीगी रानी दिखना, दिखना, दिखना गजब हो गया भाई जासी जासीगी रानी ने ना तलवार से लड़ाई लड़ी थी सलवार से नहीं या जो यार सलवार तो लड़ाई लड़ा है ना इसको जो सम्मानित किया है ऐसी घटिया सोच वाले घटिया आदमियों को बता देना चाहता हूं कभी भी इतने लंबे समय तक बुराई डटती नहीं हमेशा जीत सच्चाई की होती है देख लेना आज नहीं तो कल जीत सच्चाई की होगी और उस टाइम पे कित लक हो भाई तुम ये जो पार्टियों के पिट्ठू इनसे पूछना चाहता हूं मैं आज तक जो कुछ बोलिया खुलकर बोलिया है, खुल है। केस लग गया, लग गया गया कदे पोस्ट भी नहीं काटी वो घेर दिया, दिया। समझे आप अपने स्टैंड पे रहते हैं और इस हमारे अपनी बेजती कराने की तो नहीं करो लोग हो जाया है छकारा आ गया तुम तो नकून बुझ जगह कदे इसकी आवाना आ जा सबके रोड़े ये है हो पूरी चकार अपने घर है जो मेरे मतदे तो वो मैं करने का कार्य करता हूं सोनू सूद के बारे में डॉक्टर कुमार विश्वास ने एक बात कही थी सोनू सूद देश के अंदर एक नंबर का काम कर रहा है मैं गारंटी के साथ कहता हूं सोनू सूद ने कहीं से चुनाव लड़वा दो अगर जीत जा तो नहीं जीतेगा क्यों क्योंकि यहाँ की जो जनता है वो गंध पसंद करती है गंध में क्या दिखाई देगा उनको तो कंगना देखनी है ना कंगना किसी दिखा नजदीक है घटिया सोच हो चुकी है लोगों की दिन पे दिन गड्ढे में पड़ते जान लाग रहे हैं ये है आप तो गड्ढे में पड़ लिए दूसरे नोर खींच लो किसी साथी किसी अखबार किसी पत्रकार किसी के पास पार्टी वाले भाई के पास अगर जवाब हो तो मैं आपकी कमेंट पढ़ रहा हूं कमेंट करके बता दो भाई इसमें ऐसी क्या खासियत इसको अवार्ड मिल गया इसमें ऐसी क्या खासियत थी देश के लिए इसमें कौन सा तीर मारा जिसके लिए इसको अवार्ड दिया गया अगर कोई भी साथी इस पार्टी का जुड़ रहा हो मैं नीचे कमेंट पर डर हूं कमेंट करके बता सकता भाई की जो साथी हैं साढ़े पांच हजार आदमी आप लाइव देख रहे हो नीचे शेयर का बटन होगा उसको दबाए दबाते ही सोलह हाथ ने लिखा पाओगे शेयर टू ग्रुप तुरंत इसको आगे तक कर शेयर करने का काम करें कम से कम ये काम तो आप लोग कर सकते हो अरे थरे का लड़ाई लड़न लाग रे काका तो इतने बड़े योद्धा छतरी रह रहे हमारे पूर्वजों ने इतने अच्छे अच्छे कार्य करे और उन सब को मिट्टी में इसको ये नहीं पता आज तो यह इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है कल यह पार्टी चली जाएगी परसू चली जाएगी जाना है हमेशा जिंदगी भर कोई नहीं रहा कांग्रेस भी नहीं रही ना घमंड टूट गया ना अब ये बीजेपी है ये भी नहीं रह गिन भी घमंड टूट जाएगा उस टाइम पर मैं आप लोगों से एक बात पूछू काम छपाऊगी कहां जाएगी एक काम करने वाले को आप लोग इनकम टैक्स की रेड मरवाते हो एक बाजारू औरत को सिर पे चढ़ाते हो इसीलिए तो कहता हूं तलवार से नहीं ये सलवार से लड़ाई लड़ रही है इस मारी इतनी फेमस हो रही बाकी आप सभी साथियों को बता दो थोपड़ा खोल खोलकर बोलना सीख लो भाई और जो अच्छा कर करे उसका साथ दे लो आज भी तारे हथामबाजी है आज भी सब कुछ थारे आताम है और कई भाई जीत का जश्न मना रहे हैं अब चौटाला जीत गया में और सरकार की हार होगी अरे छोटी सोच के आदमी हो थारते एक बात पूछना चाहू हूं वो अब चौटाला आठ छह सात आठ हजार वोटा थे जीतिया है पूरे पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी का विरोध हो रहा है सबसे ज्यादा हरियाणा में हो रहा है

आंदोलन तो जाट कर रहे हैं जाटा का नाम टेकम बदनाम कर दे हैं और फेरा थारा भाईचारा न्यू क्यों मूर्ख आदमी है भाईचारे पे तो विश्वास रहा, नी, नेता की बात पे विश्वास करें लड़े जाओ फिर आपस में वो पैंतीस एक का काम फिर फिर आते ये डमरू बजाने खेल दिखाने मदारी की तरह तुम्हारे को बका के थारी बोट फेर ले जा फेर बने और थारे पिछुआडे पे फेर लात मारे यो है थारा सारा फंडा जिंदगी बीत गई पिछुआडे पे लात खाने खा के पुणे पांच साल थारी फुटबॉल बनाए रखे हैं आखिरी दो से तीन महीने थारी ना, ना नेताजी का की बार काम करूंगा मेरे भाई उन्नीस सौ सैतालीस से, से दो हजार इक्कीस आ चुका देश आजाद हुए कितने साल हो गए हैं उसके बाद भी कुछ नहीं क्योंकि बिकाऊ सौदा हो गया सारा किसी को किसी पे विश्वास नहीं है इस जातिवाद ने न थारी मां बहने कर दी इस धर्मवाद न थारी ऐसी तैसी करके दी कोई बन रहा हिंदू कोई बन रहा मुसलमान कोई बन रहा जाट कोई बन रहा राजपूत अपनी ऐसी तैसी कराते रहो वैसे ही लड़ते रहो मारा के बाल होगा भाई इंसान पैदा थे इंसान की मदद करा जिंदगी पूरी होगी अपनी काल मरते आज मर जावा कोई गम नहीं मरना है बेरा वैसे भी है क्योंकि लोग इन जो काम कर रहे ना का है उल्टे काम कर रहे हम तो मरने रियलिटी है पर मैं बहुत खुश हूं बहुत संतुष्ट हूं मेरा बाप छाती मात मा तुम्हारे बतावा रस्यकारा का बाप हूँ इस समय पूरे हैं जातिवाद अपने परिवार में अपने यार में अपने घर में नहीं घुसन दिया आज तक ये नहीं पता कौन सी जाति का मेरा भाई है कौन सी जाति का मेरा दोस्त है अरे एकदम घटिया आदमी हो आपस में लड़े जाओ ओके की घूट मारने तो पहले भी एक दूसरे से नहीं बूझो कौन सी जात का भाई अरे छोटी सोच के मूर्ख इंसानों सबके अंदर एक जैसा खून है एक जैसे अंग है एक से बाल, एक से आंख एक से नाक जाती सिर्फ वोट बैंक के लिए बनाई है वो लोग आपको बका बका कर लूट रहे हैं कदे तो एक हो जाओ अरे कदे तो अपने फायदे की सोच लो और भाई यो ड्रामा मत करो आज फलाना नेता उड़ा लाग रहा है उसका रास्ता रोक ड्रामा रास्ता क्यों रोको किसी नेता ने क्यों फेमस रहे हो उस उस नेता ने गांव में अगर आप लोगों में थोड़ी सदबुद्धि भगवान ने दी थोड़ा दिमाग दिया है ये काम कर लो उस गांव के आदमी आता हाथ जोड़ गए न्यू कह लो भाई रे नेता आन आग रहा है एक भी मानस नहीं जागा उसकी रैली में के उसके प्रोग्राम में जब एक भी मानस उड़ नहीं पाऊगा कुत्ते को लामाती खाते पाऊंगे नेता की साग का गिरी जाडागा भाई किस पर लाठी मरवाऊगा किसके लिए पुलिस प्रशासन लाऊगा है? आप लोगों से पूछना चाहता हूं एक यो छोटू राम का तो फोटूला रहा मन उगा पाखंड क्यों करागे बांध रहा मैं हर चीज में विश्वास करता हूं मेरे भाई तेरे की तेरिया पाखंडी नहीं हूं समझा मैं सारे धर्म मानू हूं कोई भी धर्म हूं सारी इंसानियत मानू हूं जो प्यार तो जो के मान दे बंधवा वाली हूं दुनिया भर की तो मेरी बाण है जो ऐसी जो के मान दे मैं मा बंधुआ वाली हूं तू ओ मानस का फोटो ला रहा बोलना सीख ले इस बात पे मेरा लागे छोट अ, अ, सोच कितनी बड्डी है तेरी मेरे सामने दिखाने की कोशिश मत कर अपने घर मोज ले यो इतना भाईचारा हुआ ना जुड़ रहा तेरे प्रधानमंत्री ना देखते इतने मानस यही समारे देखा है कि मन के मैं करगा अच्छा बुरा इस समारे इन भाइया का प्यार है भाई जो साढ़े छह हजार साथी आप जुड़ रहे हो मैं मजाक में बताता हूँ भाई आप लोग अपनी एकता नहीं दिखा रहे आप लोगों के अंदर से जातिवाद नहीं लेकर रहा आप लोग अपने आप को टटोल नहीं रहे आप लोग इनके झंडे क्यों उठाओ मेरे भाई हो अपने भाइय की ताकत बढ़ाओ अपनों का साथ दो उल्टी लेन पर मत चलो थोड़ा दिमाग तभी काम ले लो ये नेता तो खुद दे घेर लो नेता एक वो हम अनेक हाँ अरे कोशिश तो करो बोल बोल भोग भोक थक चुका हूं लाइव आना मन ने छोड़ दिया पंचायत में जाना मन ने छोड़ दिया सटेजा बजाना मन ने छोड़ दिया पर्सनल प्रोग्राम मजा हूं परसनल है क्या मैं राम राम श्याम श्याम बनी रह इस तबत्ती को चाहता भी गुना क्योंकि आंगा ला गया मैंने देख लिया आपा बैठे घर का नाश कर का कर्जे में दब के जितना हमारी औकात थी जितने बस के थे उतने रपयिये फूक लिए फिर भी वे गाली वे सोच वो है दिमाग लोगा का नहीं बदलिया आत्मा दुख है देखा सौदा समझे कल ना मारे सरकार है ना मारे पांगली था तब मैं भीड़ बनकर नू कहते पाओगे ठीक होया ईसी तीसी होगी ना की भाख रिया था समाज सेवी अरे न्यू तो देखो कुछ ना कुछ अच्छा ये होगा बुरा तो नहीं सोनू सूद भाई ना अच्छा ये तो कर उसको कुछ भी नहीं और जिसको अवार्ड मिल रहा है एक बहु उसने देखो एक बहु सोनू सूद ने देखो सेम यो है आप लोग के बीच में फर्क है एक बात तुम अपने भाइया ने देखो जो अच्छा करे उनका साथ दो और जो घर बैठ बैठकर बखलोली करे जा बकवास करे जा आप उनकी बात ना सांची मान लो उन अच्छा बता दो चलो मेरा काम था आप लोगों को समझाना कुछ पल्ला पिडया नहीं पिडा वो तुम जानो भाई पर देश का मारे देश का जान गेड़ा लिया है इससे बुरा टाइम इससे बुरे दिन जिंदगी में नहीं आ सकते क्योंकि इससे बुरा ही नहीं कुछ भी नहीं बचा जवानों को बदनाम कर दिया किसानों को बदनाम कर दिया सही दो को बदनाम कर दिया और के घंटा बचेगा और के छोड़ेंगे ये लोग मैं तो गुजारिश और कू हूँ इन वैश्याओं के लिए एक अवार्ड अलग था बना दो ये जो देन लाग रे ये आप लोगों ने जो एक वैश्या को अवार्ड दिया इनका कंपटीशन करा दिया करो एक न्याराय अवार्ड बना दो इनका जब भी आए फसट आओगी थारे आलिएी और कोई नहीं आवे राम राम भाई सारे ने को बात बुरी लागी हो बात में दुखा अपनी लागे जाओ बेसक सच्चाई बोल बोलिया किसी ने केस कराना है चौदह कराओ भाई कोई दिक्कत नहीं इसे भारतीय खाने भी भीतर सुख शांति मिल जाएगी भीतर राम राम सारे भाई ने